अगर फ्रेंड्स आप भी स्पाइस मनी के एक रिटेलर है और दोस्तों आप यहां पर अपने स्पाइस मनी में अपने वॉलेट में आप यहां पर पैसा ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पर कैसे करेंगे वो भी दोस्तों तुरंत का तुरंत एक मिनट के अंदर में आज के वीडियो में यहां पर हम कंप्लीट प्रोसेस करके बतलाने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको भी यहाँ पर अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि दोस्तों आप यहां पर तुरंत का तुरंत अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सके और आपको जो भी काम है आप आसानी से कर सके, जैसे रिचार्ज हो गया, लोन रिपेमेंट हो गया, ये अगर आप यहां पर करना चाहते हैं और आपके वॉलेट में पैसा कम हो चुका है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो तुरंत का तुरंत फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के भी माध्यम से। तो चलिए कैसे आपको यहाँ पर ऐड करना है, कैसे आपने वॉलेट को रिचार्ज करना है आज के अपने यहाँ पर हम कम्प्लीट प्रोसेस करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर स्पाइस मनी एप्लीकेशन में आ चुके हैं। आप भी यहाँ पर स्पाइस मनी एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड मनी का ऑप्शन है, आपको सिंपल सा यहीं पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी यहाँ पर ऐड करने के लिए जाएंगे सबसे पहले आप अपना यहाँ पर बैंक चेक कर लेंगे, आपका कौन सा बैंक जो स्पाइस मनी में पहले से प्राइमरी किया हुआ है उसी से आपको पेमेंट करना है, नहीं तो आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाएंगे और तुरंत का तुरंत आपके वॉलेट में पैसा ऐड नहीं होगा। 2024 में न्यू प्रोसेस आ चुका है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर बैंक सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर जैसे ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो बैंक सेटिंग का ऑप्शन है, आपको सिंपल सा यहीं पर क्लिक करना। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप यहां पर देख सकते हो आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा जो भी बैंक आपका यहां पर प्राइमरी किया होगा और जो भी बैंक आपका स्पाइस मनी में ऐड किया होगा टोटल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर मेरा प्राइमरी किया हुआ है तो हम यहां पर जो है कि इसी से पेमेंट करेंगे। ठीक, आप यहां पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और यहां पर प्राइमरी किया हुआ है तो इसी से हमको पेमेंट करना होगा, फ़ोनपे या गूगल पे जो जिससे भी हम पेमेंट करेंगे इसी बैंक अकाउंट से हमको करना होगा। आप भी इसी बैंक अकाउंट से करेंगे, जो आपका यहाँ पर प्राइमरी किया होगा उसी से आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करना है तभी आपका यहाँ पर पेमेंट होगा। तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, आपका यहाँ पर जो भी बैंक होगा वही बैंक से आपको पेमेंट करना। तो चलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले हम दिखा दिए आप यहाँ पर कैसे देखेंगे आपको जो स्पाइस मनी में कौन सा अकाउंट ऐड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखते हो मेरा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐड है। तो चलिए हम यहाँ से पहले बैंक आएंगे, बैंक आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आ जाता है अमाउंट यहां पर इंटर करने के लिए। तो आप यहां पर जितना भी ऐड करना चाहते हैं सबसे पहले आप यहां पर ऐड कर लेंगे। चलिए हम आपको यहां पर अभी एग्जांपल में दिखाना चाहते हैं तो हमको यहां पर अभी 10 रुपया ऐड करना था, आप यहां पर 10 रुपया डाल देंगे। आपको जितना भी करना होगा आप यहाँ पर एक दिन में 1 लाख तक भी ऐड कर सकते हो और कम से कम 1 रुपया, देखिए यहाँ पर मिनिमम 1 रुपीज़ एंड मैक्सिमम 1 लाख तक आप यहाँ पर जो है कि ऐड कर सकते हो अपने वॉलेट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 रुपया एंटर कर दिया, आपको जितना भी करना होगा आप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, दोस्तों यहाँ पर है बैंक डिपॉजिट और यहाँ पर UPI और इंस्टेंट क्रेडिट। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा करना क्या है, आपको यहाँ पर 2024 में नया प्रोसेस जो आया हुआ है आपको यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तभी आप तुरंत का तुरंत आप यहाँ पर देखते हो अभी मेरे वॉलेट में माइनस में 2 रुपया है, हम आपको यहाँ पर अभी ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, गूगल पे या फ़ोनपे से हम पेमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिससे भी आपको पेमेंट करना है। हम यहाँ पर फ़ोनपे एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर मेरा आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर भी स्पाइस मनी में पहले से प्राइमरी था और हमको यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही पेमेंट करना है तब मेरा यहां पर पेमेंट तुरंत का तुरंत वॉलेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जो बैंक आपका स्पाइस मनी में ऐड है उसी बैंक से आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एम पिन डालकर हम यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं, आप भी यहाँ पर कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, हमने जैसे यहाँ पर एम पिन डाला आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैसेज भी आ चुका है, आपको यहाँ पर जिसे हटा देना, चलिए हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे वॉलेट में पैसा आया नहीं आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने 10 रुपया यहाँ पर एंटर किया था और डाला था, तो
तो अभी मेरे वॉलेट में तुरंत जो माइनस में 2 रुपया था और 10 रुपया डाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हो माइनस वाला 2 रुपया कट के अभी मेरे वॉलेट में भी 8 रुपया यहाँ पर है, यानी तुरंत का तुरंत यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर मेरे वॉलेट में माइनस में 2 रुपया था, अभी हमने 10 रुपया जैसे ही डाला तो 2 रुपया कट कर अभी मेरे वॉलेट में प्लस में 8 रुपया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर तुरंत का तुरंत 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपके वॉलेट में पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा और आप यहाँ पर जो जो भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट, रिचार्ज वगैरह कुछ भी आप करेंगे तो आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे अपने वॉलेट में पैसा ऐड करके, यानी अपने वॉलेट रिचार्ज करके। तो सो दोस्तों, हमने आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बतला दिया 2024 में तुरंत का तुरंत अपने स्पाइस मनी में पैसा ऐड कैसे करना है और जो भी आप सर्विस यहाँ पर यूज करना चाहते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों वीडियो काम का लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।